हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, ये नेक्स्ट 7 डेज़ या वीकली रीडिंग है कि आपका ये वीक कैसा रहेगा, आपके जनरल लाइफ, आपका करियर या आपके लव लाइफ के लिए सब कुछ हम देखेंगे कि कैसा रहेगा। ध्यान रखना है, लेकिन ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं हो सकती है। किसी के साथ मे भी पूरी रेजोनेट हो जाए, किसी के साथ कुछ भी ना रेजोनेट हो। तो जितना गाइडेंस आपको लगता है ये मेरे लिए ज़रूरी है उतना ही रखिए। और अगर आप पहली बार ही चैनल को विजिट कर रहे हो तो ऐसे ही टैरो रीडिंग्स के लिए मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लो। और जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड भी है, चेक कर लो कि आपने ऑल नोटिफिकेशंस ऑन किए हैं या नहीं। बेल आइकन को जब आप प्रेस करते हो ना, तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है, 3 ऑप्शंस आते हैं, वहाँ से ऑल नोटिफिकेशंस को आप ऑन कर लो, ठीक है, ताकि सारे पोस्ट और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आए, कुछ मिस ना कर पाओ आप। इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी मैं वीडियोस डालती हूँ एक्स्ट्रा, तो इनकेस अगर आपको और वीडियोस चाहिए इसके अलावा भी, तो वहाँ पे भी मुझे जाके फॉलो करिए। सो लेट स्टार्ट विथ टुडेज़ रीडिंग। देखते हैं ये वीक आपके लिए कैसा रहेगा। ये देखते हैं कि ये जो हफ्ता है आपके लिए कैसा रहेगा। जनरल लाइफ के लिए देख लेते हैं सबसे पहले, आपकी जनरल लाइफ कैसी रहेगी इस हफ्ते, क्या कुछ होने वाला है इन योर जनरल लाइफ। ओके, लेट्स सी ये वीक आपके लिए कैसा रहेगा। डिवाइन हमें प्लीज़ बताए ये वीक कैसा रहेगा इट फॉर देयर जनरल लाइफ। ओके, सबसे पहला कार्ड यहाँ पे ग्रे का है, विंग्स का है, पोशन का है। ओके, एक कार्ड मैं आपके करियर के लिए निकालती हूँ, आपके करियर के लिए एक कार्ड मुझे चाहिए। चाहे आप जॉब करते हो या नहीं करते हो या बिजनेस करते हो या जो भी है। ओके, म्यूरल। सो ये आपके जनरल लाइफ के लिए कार्ड्स निकल के आए हैं। इन कार्ड्स को हम पहले क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करेंगे। ओके, सो लेट्स क्लैरिफाई। यहाँ पे ग्रे ये कार्ड क्यों आया है फॉर योर जनरल लाइफ, क्या दर्शा रहा है ये ग्रे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, विंग्स क्यों है यहाँ पे, विंग्स ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है फॉर योर जनरल लाइफ। एस ऑफ कप्स। पोशन क्यों है यहाँ पे, व्हाई इज दिस पोशन हियर। The Devil। और जो आखिरी यहाँ पे आपके करियर के लिए म्यूरल ये कार्ड आया है, वो क्यों आया है, क्या दर्शा रहा है, क्यों आया है यहाँ पे, क्या मैसेज है आपके लिए। The Tower। ओके, सिग्निफिकेंट साइन यहाँ पे कैप्रिकॉर्न है यानी मकर राशि, और स्कॉर्पियो है यानी वृश्चिक राशि। ओके, सबसे पहले तो अगर हम आपके जनरल लाइफ की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके ज़िंदगी में ना इस हफ्ते कुछ ख़त्म होने वाला है। ओके, कुछ एंडिंग्स मुझे यहाँ पे होते हुए दिख रही है। इट कैन बी एनीथिंग। ओके, क्योंकि हम जनरल रीडिंग कर रहे हैं और वो भी आपके जनरल लाइफ के बारे में कर रहे हैं, तो इट कैन बी जस्ट एनीथिंग। आपको वो चीज़ ख़त्म होने के बाद भले ही बहुत सैड फील होगा, लेकिन आपको ये भी एहसास होगा कि ये चीज़ यू नो ख़त्म होनी ही थी। ओके, एंडिंग्स होने ही होते हैं, जो चीज़ शुरुआत होती है उस चीज़ के एंड भी होता ही है, कुछ ऐसा आपको महसूस होने वाला है। लेकिन ये एंडिंग आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा, ये एंडिंग जो भी होगा ये आपके लाइफ को एक पॉजिटिव चेंज आपके ज़िंदगी में लाएगा, एंड यू विल फील वेरी हैप्पी एंड वेरी पीसफुल एंड वेरी, जैसे बर्डन या कोई बहुत टाइम से बर्डन चल रहा था और वो ख़त्म हो जाना, और बहुत आपको थोड़ा सा दुख भी होना, एंड उसके साथ ही आपको एक टेकिंग अ साई ऑफ रिलीफ कि ओ ओके फाइन नाउ आई एम फीलिंग गुड, ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। आप अपने साथ वक्त बिताना बहुत ज़्यादा पसंद करोगे
ये वीक में आप बहुत अकेले रहना पसंद करोगे, अपने साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करोगे। अगर आपके घर पे, घर के यहाँ पे कहीं पे कोई वाटर बॉडी है, जैसे सी है या लेक है, रिवर है, तो वहाँ पे आप ज़्यादा समय बिताना, मैं अच्छा फील करोगे आप, ठीक है, लाइक नेचर में। और ये जो चेंज है आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है कि आप इस चेंज को एक्सेप्ट कर रहे हो पॉजिटिवली। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ, आपको बहुत सपोर्टेड फील होगा, आपको ऐसा लगेगा कि भगवान मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, या मुझे कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल रहा है, हेल्प मिल रहा है, और आप उस सपोर्ट को, उस हेल्प को एंजॉय करते हुए दिख रहे हो, एम्ब्रेस करते हुए दिख रहे हो। आपको बहुत फ्री फील होगा, आपको बहुत लिबरेटेड फील होगा, ओके, आपको ऐसा फील होगा मानो आप किसी चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं हो, आप जो करना चाह रहे हो वो कर पा रहे हो, ओके, फाइनली यू लिबरेटिंग फ्रॉम समथिंग, ओके। ऐसा होता है ना हमारी ज़िंदगी में, हम किसी सिचुएशन में काफ़ी टाइम से अटके हैं, स्टक है, और अचानक से ही उस सिचुएशन से बाहर निकल आना, तो जो फीलिंग होती है ना वो फीलिंग आप फील करोगे, ओके। और आपको बहुत सपोर्ट, बहुत प्यार, बहुत अंडरस्टैंडिंग लोग मिलेंगे, और आप काफ़ी अच्छा फील करोगे, काफ़ी पॉजिटिव फील करोगे। अपनी मन मर्जी के हिसाब से अपनी लाइफ जी रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि बहुत टाइम हो गया आपने अपना ख्याल नहीं रखा है, आपको अपना सेल्फ लव इम्पॉर्टेंट, उसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। आप अपने आप पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आप अपनी केयर नहीं कर रहे हो, आप कुछ ऐसे रिचुअल्स करो, आप कुछ ऐसी चीज़ें करो जो आपको ग्राउंडेड रखेंगी, जो आपको, या आप में भी ऐसी चीज़ें करने वाले हो, यू विल डू सम रिचुअल्स, या आप अपनी हीलिंग करवा सकते हो, आप कुछ ऐसी चीज़ें करवा सकते हो जिससे आप प्रोटेक्शन फील करो, आपके लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है, डार्क नेगेटिव एनर्जीज़ है, आप उससे बाहर निकलने के लिए कोई, या तो कोई हीलिंग करवा रहे हो, या कुछ कुछ तो कर रहे हो आप इस वीक, ओके, और आपको करना भी चाहिए, अगर आप नहीं कर रहे हो तो। यही आपको बोला जा रहा है कि आपको अपनी सेल्फ लव पे फोकस करना है, अपने आपको पॉजिटिव रखने पे फोकस करना है, ओके। एंड आपके करियर की बात अगर की जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि, देखिए, मुझे लगता है आपका करियर कुछ बहुत बहुत ब्यूटीफुल चल रहा है, मैं ऐसा नहीं कहूँगी। डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है आपके करियर में, या फिर ऐसा कुछ चल रहा है जिसे हम इतना फेवरेबल नहीं कह सकते। मे बी यू नॉट एन्जॉइंग व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर करियर राइट नाउ, ठीक है। हो सकता है आपने कुछ लॉस झेला है, या कुछ ख़त्म हुआ है, या कुछ कुछ तो बहुत बुरा हुआ है इन योर करियर, एंड उसके बाद आपने ना, मुझे क्या पसंद है, या यू नो, मुझे मेरी चॉइस क्या है, या मेरी खुशी किस चीज़ में है, आपने वो चीज़ करना ही छोड़ दिया, आपने उस चीज़ पे अमल करना ही छोड़ दिया। तो आप ना अपने आप को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो काफ़ी टाइम से, ठीक है। तो आप सिर्फ करियर के पीछे ही भाग रहे हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप करियर के पीछे मत भागो, बट इट्स लाइक आप अपने आप को भूलो मत। आपको क्या पसंद है, आपकी हॉबी, आपका पैशन, उसको फॉलो करो, ठीक है। तब जाके ये जो चीज़ें आपने खो दी है या ख़राब हुई है आपके करियर में, वो ठीक हो पाएगी, ओके। लेट्स सी, इमोशनली आप कैसा फील करोगे अपने रिश्तों को लेकर, या अपनी लव लाइफ को लेकर। इमोशनली कैसा फील करोगे आप, डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं, इमोशनली हमारे व्यूअर इस वीक क्या फील करेंगे, हमारे व्यूअर की प्लीज़ एनर्जी फील बताइए हमें, अपने रिश्ते को लेकर, पार्टनर को लेकर क्या फील करेंगे। हेल्पलेस, ओके, हार्ट ब्रोकन, क्यूरियस, और आखिरी कार्ड यहाँ पे है डिसगस्टेड, ओके। अब हम देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी, जिनसे आप डील कर रहे हो, या जिनके बारे में आप सोच रहे हो, या आपकी फीलिंग्स है, या आपके लवर, आपके एक्स, जो भी है, उनकी क्या फीलिंग्स या उनके एक्शंस क्या रहेंगे इस वीक। फोर कार्ड्स फॉर देम, गार्डेड, सैडनेस, सरप्राइज्ड, और आखिरी जो यहाँ पे कार्ड है वो है स्नीकी, ओके। लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। ये हेल्पलेस की एनर्जी क्यों है यहाँ पे आपके लिए, आपके अंदर ये हेल्पलेस की फीलिंग क्यों रहेगी,
ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स। हार्ट ब्रोकन की एनर्जी क्यों रहेगी आपकी? वाई आर यू फीलिंग हार्ट ब्रोकन इन दिस वीक? द एम्परर। क्यूरियस की एनर्जी क्यों रहेगी? सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। डिसगस्टेड की एनर्जी यहाँ पे क्यों निकल के आई है? हैंग्ड मैन। गार्डेड, आपके पर्सन की एनर्जी में गार्डेड की फीलिंग्स क्यों निकल के आ रही है? गार्डेड ये एनर्जी क्यों निकल के आ रही है? सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। सैडनेस की एनर्जी क्यों निकल के आ रही है इन योर पर्सन? जजमेंट। सरप्राइज्ड की एनर्जी क्यों निकल के आ रही है? एस ऑफ स्वॉर्ड्स। और स्नीकी की एनर्जी क्यों निकल के आ रही है? पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सिग्निफिकेंट साइन यहाँ पे एरीज है, मेष राशि, पाइसीज है, मीन राशि और टॉरस है, वृषभ राशि। ठीक है, ओके। सबसे पहले तो हम अगर आपके इमोशंस या आपकी फीलिंग्स इस रिश्ते को लेकर या इस पर्सन को लेकर देखें, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि अपने रिश्ते को लेकर या इस कनेक्शन को लेकर आप कुछ ज़्यादा कर नहीं पा रहे हो। ओके, आप सिर्फ देख पा रहे हो, आप सिर्फ नोटिस कर रहे हो, आपके हाथ में कुछ है नहीं ज़्यादा। ठीक है, यू आर जस्ट यू नॉट एबल टू डू एनीथिंग फॉर योर कनेक्शन, जिसके वजह से आपको बहुत आपको ऐसा लगेगा कि मेरे रिश्ते को ठीक करने के लिए मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ या कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ या मुझे किसी की हेल्प नहीं मिल रही है। आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग फॉर माई कनेक्शन। ठीक है, सो आप बहुत ही स्टक और बहुत ही हेल्पलेस फील करोगे। आप सिर्फ देख पा रहे हो, कुछ कर नहीं पा रहे हो एंड दैट इज़ हर्टिंग यू। आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन इसलिए फील करोगे, आपका दिल इसलिए टूटेगा कि आपको आपके पर्सन का नेग्लिजेंस, जिस तरह से वो आपको निग्लेक्ट कर रहे हैं, जिस तरह से वो ईगो में है, स्टबर्न एनर्जी में है, आपसे वो सही ही नहीं जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि यार ये पर्सन मुझे क्यों इतना इग्नोर कर रहा है, ये क्यों मुझसे दूर भाग रहा है, ये क्यों मुझे नहीं चाहता अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, ये क्यों इतना ईगो में बैठा है, ये क्यों इतना अड़ियल बन के बैठा है, you know? और वो आपको बहुत हर्ट करेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप ये भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा स्टॉक करोगे, क्योंकि आपको देखना है कि ये पर्सन अगर मुझे टाइम नहीं दे रहा है, मुझे अटेंशन नहीं दे रहा है, तो ये किसको अटेंशन दे रहा है, इसके लाइफ में क्या चल रहा है, ये किसके पास जा रहा है, ये किससे बात कर रहा है, ये किसको क्या दे रहा है, टाइम दे रहा है या अटेंशन दे रहा है या क्या चल रहा है इसके लाइफ में। यू विल बी वेरी क्यूरियस टू नो कि आपके पर्सन क्या कर रहा है। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये जो स्टक वाली एनर्जी है, जहाँ पे आप ना आगे बढ़ पा रहे हो, ना पीछे जा पा रहे हो, ना कुछ कर पा रहे हो, इससे आपको, इसके वजह से आपको अपने पर्सन पे बहुत गुस्सा भी आएगा और आपको एक, जिसे यू नो, घिन वाली फीलिंग होती है ना कि यार कैसा इंसान है इसने, ये मुझे ना तो आगे बढ़ने दे रहा है या ना तो खुद मेरी लाइफ में आ रहा है, इसने मुझे पूरा स्टक करके रखा है। ठीक है, अब रही बात आपके पर्सन की फीलिंग्स की इस हफ्ते, तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपसे कुछ छुपाने वाले हैं, या तो ये कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिसकी वजह से इनको अपने आप को छुपाना पड़ रहा है, अपनी लाइफ को छुपाना पड़ रहा है, आपको ब्लॉक करना पड़ रहा है अपनी लाइफ से। ठीक है, बहुत गार्डेड फील कराएंगे आपको, आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा मुझसे दूर भाग रहे हैं, छुप रहे हैं, यू नो, और ये चीज़ ये इसलिए करेंगे क्योंकि दे आर नॉट ऑनेस्ट राइट नाउ, वो ऑनेस्टी आपको नहीं दे सकते। कुछ ऐसी चीज़ें वो कर रहे हैं जो उन्हें शायद नहीं करनी चाहिए बीइंग इन अ रिलेशनशिप। ठीक है, दूसरी चीज़ मुझे ये भी लगता है कि अगर आपने कोई अपना डिसीजन सुना दिया है या उन्होंने कोई डिसीजन पास्ट में सुना दिया था आपको, कि बोल दिया था कि भाई यही मेरा डिसीजन है और अब ये नहीं बदलेगा, तो वो चीज़ उन्हें बहुत हर्ट करेगी कि यार क्यों, यू नो, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने क्यों सामने वाले को, यू नो, वो ये डिसीजन ले लिया मैंने, या सामने वाले ने ये डिसीजन मुझे क्यों सुना दिया, व्हाई डिड दैट हैपन। ओके, सो कहीं ना कहीं दे विल फील वेरी सैड, वेरी हार्ट ब्रोकन कि यार मुझे ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, मुझे उसे नहीं छोड़ना चाहिए था, या मुझे फाइनल डिसीजन नहीं सुनाना चाहिए था, आई शुड हैव टेकन टाइम, या मुझे थोड़ा रुक जाना चाहिए था। और जितना ये पर्सन को ये चीज़ें फील होगी, दे विल फील वेरी सैड एंड वेरी लो। ठीक है, मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे कि अगर आप उनसे कुछ बोल, मे भी हो सकता है आप उनसे कुछ सच बोल दो या कुछ क्लैरिफिकेशन दे दो या कुछ ऐसी बात आप बोल दो इस पर्सन को, जो इस पर्सन को बहुत सरप्राइज करेगी कि यार ऐसे कैसे कह दिया, यू नो, ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, यू नो, यू दे विल फील क्वाइट सरप्राइज्ड कि यार ऐसे कैसे, यू नो, सामने वाला मुझसे ऐसे कैसे बोल सकता है। ओके,
क्योंकि उन्हें मेरी आदत नहीं है, उन्हें हमेशा आपने बहुत पलकों पे बिठा के रखा है, बहुत उनके हिसाब से आपने चीज़ें करी है हमेशा। एंड जब आप सच बोल लोगे या जब आप ओपन अप होने वाले हो ना, ये चीज़ उनको रास नहीं आएगी। दिल बी लाइक ओ माई गॉड, इसने मुझे ऐसे कैसे कह दिया, ठीक है। और मुझे ये भी लग रहा है कि देखिए, उनके पास ना सच बोलो तो अभी कुछ बहुत बड़ा ऑफ़र करने के लिए उनके पास कोई ऑफ़र है ही नहीं, आपको देने के लिए ज़्यादा कुछ उनके पास सच में नहीं है। सो इसीलिए ये पर्सन आपसे दूर भागेंगे, आपसे छुपेंगे, चुप चुप कर आपको स्टॉक करना या यू नो स्नीकी बने रहना, ओपनली आपके सामने नहीं आएंगे, क्योंकि उनके पास कुछ देने के लिए है ही नहीं, आपको कुछ ऑफ़र करने के लिए है ही नहीं। ओके, सो ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लेट्स सी आपके लिए जनरल लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है, आपके लिए क्या गाइडेंस है फॉर योर जनरल लाइफ। डिवाइन हमें प्लीज़ क्लियर मैसेज दे और बताए इस वीक के लिए क्या गाइडेंस रहेगा हमारे व्यूअर के लिए। हीलिंग वाटर्स, यस, आपको यहाँ पे यही बोला जा रहा है, अपनी हीलिंग पे फोकस करिए। हो सकता है कि आप कोई ऐसी टेक्निक्स यूज़ करके भी अपने आप को हील कर सकते हो, जैसे कोई वाटर टेक्निक यूज़ कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप सॉल्ट वाटर बाथ लीजिए। आप अपने एनर्जी, अपने ऑरा को जितना हो सके क्लेंस कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड और आपके लव लाइफ के लिए देखते हैं क्या एडवाइस है आपके लिए। डिवाइन हमें प्लीज़ क्लियर मैसेज दीजिए और बताइए कि क्या एडवाइस रहेगी, क्या एडवाइस रहेगी हमारे व्यूअर के लिए। यू रीप वॉट यू सो, कर्मा। तो आपको ये बोला जा रहा है यहाँ पे कि अगर आपने कुछ गलत किया है इस कनेक्शन में, पास्ट में, तो उसका कर्मा आपको मिलेगा। ओके, जो आप बोओगे वही आप पाओगे, ये कर्मा का लॉ है, ठीक है। वॉट मोर डू वी हैव, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया, डोंट वरी, कुछ गलत नहीं होगा आपके साथ। ओके, वॉट मोर डू वी हैव, डेस्टिनी, यू आर बॉर्न टू बी टुगेदर। तो यस, ये पर्सन आपकी डेस्टिनी में है, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, ठीक है, एक दूसरे का होने के लिए ही बने हो। वॉट एडवाइस डू वी हैव, वॉट एडवाइस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, इट्स टाइम टू शो सम सेल्फ लव। देखिए, दो बार अगर सेम एनर्जी निकल के आ रही है ना, बहुत सिग्निफिकेंट है। सेल्फ लव आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वीक। कुछ ऐसा करिए जिससे आप खुद को ज़रा प्यार दे सके, ठीक है। सो या दैट वॉज इट। अगर रीडिंग आपको लगता है कि हाँ आपके साथ रेजोनेट हो रही है, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। एंड जो भी गाइडेंस मैंने बताई है उसको ध्यान में रख के उसको फॉलो करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना खास ध्यान रखिएगा। Love you.